शाहनगर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रमगढ़ा में सचिव की मनमानी से परेशान ग्राम के गरीब परिवार के लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव सतीश प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसे लेकर हितग्राहियों को लाभ दिलवाते हैं। यही नहीं, कई लोगों से पैसा लेने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। एक तरफ सरकार गरीब जनता के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है, तो दूसरी तरफ पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के द्वारा योजना के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर शासन प्रशासन को सख्त सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, जिसमें आम जनता को बिना कोई पैसा खर्च किए बगैर शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। भैया क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्या ये है, हाँ, कि हम ग्राम पंचायत रमगढ़ा के हैं। हाँ। हमारे जो चाचा हैं, इनका नाम है हजारिया जी, इनकी 2 साल हो गए कुटीर आई। हाँ। सचिव ने कागजात भी ले गया कि तेरी कुटीर आ गई। हाँ। फिर इसके बाद कहने लगा कि 5,000 रुपए दे। हाँ। तब तेरी कुटीर बनेगी जी। वही साहब, इस मरीज आदमी है, 2-5 साल से कम इसको बीमारी हो गई। हाँ। है? हाँ। बीमार रहते और उन्होंने आज तक कुटीर का कोई पता नहीं बताया। हाँ। जिसको भी दे दिया होगा। हाँ। पूछा भी है तो कही कि अभी नहीं आई, कागजात ले गए के बाद भी उसने कहा कि अभी नहीं आई। भाई पैसा नहीं दिया सो कुटीर नहीं दिया जी। कुटीर से 10,000-5,000 सब लोगों से लेता है, ईमान करवा लेता है, परेशान करता है। तो बच्चे और इनके ये ऐसे जीवन यापन ऐसे ही करते हैं, यापन ऐसे कर रहे हैं। मेरा नाम सुखदेव प्रसाद विश्वकर्मा, ग्राम रमगढ़ा का हूँ जी। समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मैं ग्राम का चौकीदार था सर जी, और चौकीदार उपरांत मैं 2010 से मैं सेवा कर रहा हूँ जी, और 2010 से कोई मानदेय नहीं मिला मेरा। बाकी अभी फिर से मान लो पिछले 2 साल पहले 15 अगस्त से मुझे फिर से नियुक्त किया ग्राम की जनता ने। हाँ। उमरिया जनगणना और रमगढ़ा ग्राम पंचायत। हाँ। से मेरा मान लो नियुक्ति हुई। हाँ। कि भैया जी 4 का सेवक है, पहले से सेवा ये करते आया है। हाँ। तो मेरे को ही सेवा 4 जनों ने दिया। तो इसने क्या किया, सतीश कुमार दहायत ने। हाँ हाँ। सचिव हूँ। हाँ। इसने घूसखोरी लेके मेरे। हाँ। भाई लाल जी से। हाँ। और मान लो उसको भर्ती कर दिया। हाँ। उसको भर्ती कर दिया, फिर उससे काम करवाने लगा अन्न से। हाँ। तो और मेरी पैसा मेरी मजदूरी 2 साल से ये पड़ी है। हाँ। ये अभी वर्तमान में। हाँ। अभी कोरोना संकट में सर मैंने इतना काम किया है। हाँ। कि भगवान जानने वाले हैं, मेरे पास कार्ड भी है, अभी आई कार्ड बना के। अच्छा सचू, यहाँ काम करने के लिए क्या कुछ लोगों से मांगता है? सब कुछ मांगता है, 10,000 रुपए पड़ कुटी से। मैं चौकीदार हूँ, बोलता नहीं हूँ किसी से, और फरार करवा लेता है के अपने बच्चे। क्या आपके हाथ से कभी उसने कहा कि इसके पैसे लिया? 6,000 रुपए मेरी कुटीर से ले लिए सर, मेरी कुटीर से 6,000 रुपए ले लिए, 5,000 रुपए भूम सुधार के लिए ले लिए। तो आपने FIR दर्ज नहीं करवाई? नहीं करवाई सर। आज लो कि मान लो इसलिए नहीं, सीओ के पास मैंने शिकायत की, सीओ की मैं पावती रखे हूँ। हाँ, शिकायत की। सीओ साहब ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? सीओ साहब ने यहाँ आए और थोड़ा सा आंसू पहुँच गए हमारे, कोई उसका फैसला निदान नहीं। जी हाँ। नाम क्या है आपका माता जी? समंत्री भाई। कौन से गांव से? रमगढ़ा। रमगढ़ा से। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है आपकी? आप मजदूरी के पैसा डाले हैं। हाँ। तो उससे कटी सावधान नहीं रहे। हाँ। कुटी वाले मंजूर साहब हमारे चाचा बैठ रहे हैं पेंशन के लिए, हमारे घर में 2 मरीज हटे, फिर भी हमसे 5,000 रुपये हमसे लग चुके हैं। हाँ। हाँ। पैसा नहीं डाल रहे आप? पैसा नहीं डाल रहे हमारा। तो आप अभी ऐसे घर में ही रहती हैं? अरे घर में रह जाती हैं, ऐसे कच्चे घर में। कच्चे घर में। हाँ। सिक्योरिटी से कहा नहीं है आपने? आपने कहा है, कहते हैं पर गया है पैसा। तो आपके खाते में नहीं आया पैसा? नहीं आया पैसा, गए थे डुक्कर खाता लेके, तो कहते हैं पैसा नहीं पड़ा है। हाँ। बैंक वाले कह जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।